नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंसाफ की बात। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बाटला हाउस में। हम यहाँ लोगों से जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, तो मैं जानना चाहूंगी और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार जो सीवर है वो खुली पड़ी है और इसको लेके लोगों का कहना है कि बहुत परेशानी होती है। आपसे जानना चाहूंगी मैम, ये जो खुला पड़ा है कब से? ये परसों से खुली हुई है यहाँ पर, और आगे तो पता नहीं कब कब से खुली हुई है। और हमारा तो बिल्कुल घर के अंदर था मलवा, और बच्चा है हमारा तो छोटा सा, वो उठा उठा के खा रहा है। बताओ कितनी परेशानी है, नाले का पानी है सारा, और हमारे पापा तो बेड पर पड़े हुए हैं, पैरालाइज हुआ हुआ है। हमें परेशानी नहीं है इन चीजों से, बताइए है। और फिर अभी आके मैंने सफाई करी है यहाँ से, देखिए झांक के देखिए जरा, मैंने अपने आप साफ करा है यहाँ से। परेशानी नहीं है ये, बहुत परेशानी है। यहाँ ऐसे ही रहता है ज्यादातर ही रहता है यहाँ पर। मैम बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग यहाँ पर। प्रशासन के पास आपको शिकायत करूं? शिकायत तो जब सब मिलके जाएंगे जब ही हो सकती है, अकेले से तो किसी से नहीं होगी। मैं आगे और भी लोगों से जानना चाहूंगी, ये जो गलियों में खुली पड़ी है उसको लेके क्या कुछ समस्याएं हैं, बताएंगे सर क्या कुछ समस्याएं हैं? मैडम यहाँ सारी गलियाँ खोद रखी हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो गलियाँ खोदने के पीछे का कारण क्या? कारण ये है कि बनाते नहीं है, सारी गलियाँ ऐसे गटर खुले पड़े हैं, बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, इतने परेशान हैं लोग। जो बुजुर्ग होते हैं वो गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, बहुत परेशान है यहाँ के लोग। कोई नहीं आता यहाँ पे चेक करने के लिए, सारे खुदे पड़े हैं रोड, पूरे के पूरे, पूरा मोहल्ला खोद के छोड़ दिया, पूरा मोहल्ला पूरे यहाँ पे। अगर बात ये कितने दिनों से ऐसी ये हाल है? ये कम से कम हो गए साल डेढ़ साल से ऐसे चल रहा है यहाँ पे। साल डेढ़ साल से आप ये ऐसी नरक वाली जिंदगी, क्या करें, मजबूरी है। अब इधर का देखिए जाके, आप उधर भी गलियां खोद रखी हैं सारे, क्या नाम, कोई गली नहीं छोड़ी, इतने परेशान है, निकलने बैठने से भी परेशान है, बुजुर्ग लोग जो बीमार हैं उनको भी ले जाने से परेशान। जी क्या कह रहे भाई? ये बताइए हमारे भाई, बोलना जरा भाई। देखिए ये ओखला विधानसभा के अंदर जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्ला खान, उन्होंने बस से बद जिंदगी यहाँ पे कर दी है लोगों की, पूरी आवाम परेशान है। जो रोड यहाँ पर खुद गया है वो 3 महीने 6 महीने 1.5-1.5 साल से सड़कें नहीं बनी है यहाँ पर। उनके नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, चेक करके रिटर्न चले जाते हैं। पानी के कनेक्शन सारे तोड़ दिए हैं, बोरवेल खराब कर दिए हैं लोगों के, और सारा देखिए आप ये देख रहे हैं सारे कनेक्शन कटे हुए हैं, घर के अंदर सीवर का पानी आ रहा है टोटल। और MLA आके यहाँ पर देखते नहीं, विधायक कहाँ रहते हैं नहीं रहते किसी को नहीं पता है। ये जो खुला पड़ा है वो कब से खुला है? यह हो गया 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया पूरा इसको तोड़े हुए, और बाकी गलियां कम से कम 2-2 महीने 1-1 महीना 3-3 महीने हो गए। इसके वजह से काफी परेशानियां, सारी परेशानी हो रही है, झाड़ू तक लग पा रही, धूल मिट्टी में बच्चे गिर रहे हैं, हाथ पे चोट लग रही है, सबको सब कुछ हो रहा, पानी पीने तक का पानी नहीं है। चाचा ये बताए, ये जो सामने खुदा पड़ा है इससे आप लोगों की आम जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आम जिंदगी की है कि कई साल के बाद तो काम शुरू हुआ था, और अभी जो है ना काम हो रहा है तो वो सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा, ये नीचा पड़ गया, ये ऊंचा हो गया, उसका पानी इसमें कैसे जाएगा, फिर पानी की लाइनें जो है सब डिस्टर्ब है। अच्छा ये जो पाइप है ग्रीन वाली पाइप है वो किस चीज की पाइप है? ये पानी पीने के पानी के है। तो आप लाजमी सी बात है कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स हो गया? बिल्कुल मिक्स हो रहा है, तो कई दिन से पानी भी नहीं आ रहा तो गंदा आ रहा, और जब तक ये सही सिस्टमेटिक नहीं जुड़ेगा तब तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मैं एक बार बोलूंगी जुबैर को, जो हमारे कैमरा पर्सन है, एक बार जूम करें और दिखाएं। साफ तौर पर इनका कहना है कि सीवर का जो पानी है उसमें इनके पीने का पानी मिक्स होकर आता है। मैं बोलूंगी एक बार दिखाएं, वो जो ब्लू कलर की पाइप है वो पाइप इनके पीने का है, और बाकी जो गंदी पानी निकल रही है वो सीवर का पानी है। तो सोच लीजिए ये कितना घातक है और कितना जानलेवा है, और इससे लोगों की आम जिंदगी पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। चाचा बताएंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से? सारा गंद मतलब पीने के पानी में जा रहा है जितना भी है, कल से मतलब बुरा हाल हुआ हुआ है, और ये रोड ये समझ लीजिए ये ऊंचा कर दिया, गली नीची हो रही है, अब दोबारा से इसका क्या होगा, कुछ कर ही नहीं सकते, उल्टा सीधा ही सारा काम हो रहा है। वहाँ नीचा है यहाँ पर ऊंचा है, ये गली वाले भी परेशान है, इनको दोबारा से अपना मतलब लेटरिन बाथरूम तोड़ के सही करना पड़ेगा। समस्या तो ये है, बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की है, बिजली की है, बिजली तो नहीं रही अब, पानी और रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी हमारे एरिया में 1 साल से काम चल रहा है, हर गली खुदी हुई है, कोई पेशेंट आ नहीं सकता जा नहीं सकता, और एक गली खोद के ये साल साल भर छोड़ दे रहे हैं। अभी एच ब्लॉक में जाइए, उन्होंने पूरी लाइन खोद दी है, हमारे घर में खुद एक पेशेंट है और 4th स्टेज पे है कैंसर के, और उनको हम बड़ी मुश्किल से ले जाते हैं। अब बताइए हम प्रशासन से, प्रशासन को आप कभी गए प्रशासन के पास कि हमारे क्षेत्र में? प्रशासन से क्या कहें, वो प्रशासन को कोई दिखता ही नहीं है, MLA के पास जाओ MLA नहीं दिखते हमारे, तो मैं किसके पास जाऊं? आपके यहाँ पे दुकान है और सामने ठीक पूरा जो नाली है वो खुदी पड़ी है,
तो इससे आप लोगों की आमदनी पे पॉकेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, 25% भी दुकानदारी नहीं है सुबह से, वैसे खाली बैठे हैं सुबह से। खाली बैठे हाँ, 25% भी दुकानदारी। कितने दिनों से ऐसे है? कब? नहीं, ये तो परसों से खुदा हुआ है। हाँ, परसों से। हाँ, बाकी आगे पहले से खुदा पड़ा है, इधर भी आगे खुदा पड़ा है। एक्चुअली कार वार कोई भी चीज़ है, यहाँ मेरा घर पास में ही है, मुझे कार से जब जाना होता है यही रूट मैं चूज करता था, लेकिन अभी ये रोड टूट चुका है, इसकी वजह से मैं कार नहीं लेके जा सकता हूँ। अभी ट्यूशन जाना था, ट्यूशन के लिए पूरा रोड ब्लॉक है, मैं अपनी कज़न को छोड़ नहीं सकता यहाँ पर। साथ में बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, कोई भी व्हीकल नहीं आ सकता यहाँ, तो बाइक नहीं जा पाए। ये एक गली का हिसाब नहीं है, हर गली, इसके उधर वाली जाइएगा उधर भी टूटा हुआ है, जितने रोड है सब तोड़ते जा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, कोई सलूशन ही नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से मोबिलिटी में बहुत इश्यूज आ रहे हैं हम लोगों को, बहुत समस्या के परेशान हुई एकदम की, आने जाने की इतनी गंदगी और बदबू इतनी आती है कि लोगों की गाड़ी भी आने जाने के बने कहीं भी टूट फूट जाते हैं, फंस जाते हैं और बहुत परेशानी होते हैं। ये कब से ऐसा हाल है? काफ़ी ऐसे तो रोड बनता है खुनता है बनता है खुनता है, लेकिन फिर भी सही से नहीं होता है, या फिर जो है ना कि ये गड्ढे गड्ढे जो होता है ये गड्ढे फिर भर जाते हैं, फिर वैसी धंस जाते हैं, ऐसी होते हैं। जी मैम, बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे घर में खुद अम्मी पेशेंट हैं, आज 5 महीने हो गए गली खोद के डाल रखी, उन्हें बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल जगह ही नहीं है बाहर निकलने की, और ये काम तेज़ी में बहुत करते हैं तोड़ने का, तोड़ के जाने के बाद फिर ये 6-7 महीने की कहानी ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद नहीं झाँकते, कुछ भी नहीं करते। तो इसको लेकर आपने कंप्लेंट किया कि इतने दिनों से गली खुदी पड़ी है? मैम कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कंप्लेंट बहुत करी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं? यू कहता है हम बोलेंगे आगे पहुँचाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या समस्या? जी मैम, अभी तो रोड खुदा है और ये क्या नाम है बना के नहीं दे रहे बिल्कुल भी, और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर मैं बात करूँ तो और फिर क्या समस्या? जी क्या नाम है, परेशानियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा पानी के सारे कनेक्शन उन्होंने तोड़ दिए, उसमें सारा सीवर का पानी आ रहा है, गैस लाइन तोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने सुना किस प्रकार बाटला हाउस की जनता परेशान है। साफ तौर पे कहना है कि जो गलियां खुदी पड़ी है उसमें सीवर का पानी और पीने का पानी मिक्स होके आता है, जाहिर सी बात है वो पानी अगर कोई यूज कर रहा है और कोई पी रहा है तो बीमार पड़ना लाजमी सी बात है। बाकी तमाम स्तर की अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं राशिका, बाटला हाउस दिल्ली।